अच्छा मैं तेरे को तेरी एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे तुझे लोगों ने कहा था ना, तो इसी रोडीज में तूने इंटरव्यू बोला कि भाई मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। क्या तू परफेक्ट नहीं था? आया ना इस शो में, जज बन के आया ना, है ना? क्योंकि लोगों को लगा तेरे में नहीं है, तुझे पता तेरे में बात है। अभी हमें लग रहा है इसमें बात नहीं है, पर उसमें बात है। देख गौतम, ये है कि प्रिंस बहुत कन्विंस्ड है ऐसे गैंग लीडर की, उसको लगता है कि उसके गैंग के लिए कैसे यार आए। तो मेरे को तो तुम बहुत अच्छे, उसको तो नहीं पता तुम शो में आओगी नहीं आओगी। मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी और मैं सोनू सर के लिए तब तक करूंगा। मैं सर एक और चीज करता हूँ, अभी मैंने कहा था ना कभी कुछ ऐसा कंटेस्टेंट आएगा जो मुझे लगे ले लेना चाहिए, तो हीरो की सेवा कर रहे हैं भाई। भाई टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना प्लीज मिलना चाहिए। आप किसी के गैंग में डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट इसको मौका दो शो में आने का। सर कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगी सर, अपना बेस्ट दूंगी। मुझे पता है तो बेस्ट देगी तो है ही, मतलब आई मीन टैलेंट है। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि अभी जो प्रिंस को चाहिए उसके गैंग लीडर्स उसको कितना सपोर्ट करते हैं। भाई वो सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करने आया है, वही शो में पूरे शो में करते रहेंगे, इसलिए मैं कन्विंस करना समझता नहीं हूँ इनको, पर मैं फिर भी किया। अच्छा, क्योंकि मेरे को मैंने फिर बोला मेरे को मेरे से ज्यादा इनकी लाइफ की ज्यादा पड़ी है। कोई बात करने दिया करो ना कभी कभी, लोग तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप उन्हें सपोर्ट करोगे। जब आप बाहर जाके हमारे बारे में अनशन बातें करते हो तो आप क्या समझते हो? मैंने कुछ भी नहीं करी बाहर जाकर, मेरे पर ना कोई फिल्टर नहीं है रिया। मैं फिल्टर के बिना लड़का हूँ और मैं आज तक वही बोलते आया हूँ, और आप शो में ही बोलूंगा तो फिल्टर के बिना ही बोलूंगा। कुछ चीजें बुरी लगती है तो वो लगेंगी, वो आपकी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं लगेंगी वो भी आपके लिए है, ठीक है? नहीं सुनना तो दुखता तो कॉटन बन के आया करो। पहली बात, आप इस टोन में मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँ। आप पहले माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू भाई? आपकी टोन बहुत बकवास है। क्यों से माफी मांगू? मुझसे क्यों मांगू? तुम मत मानो, बैठो, नहीं बात करनी आपसे। तुम मेरी दोस्त थोड़ी हो जो मैं तुम्हें बोलूंगा यार। शो में मिलके लोग इसको जानते हैं और तब इज्जत करते हैं। बस हो गया इसका, बस तो मेरा हो चुका है। मेरे बोलने का तरीका पंजाब से हूँ, ऊंची है, पर मैं गलत नहीं बोलता, चाहे कोई भी हो, इधर उधर देखने वाला भी हो। क्या मेरी बात कर रहे क्या भाई? मैं तो परमात्मा की बात भी करता हूँ, भगवान सुन रहा है? मैंने तो कुछ बचा ले मेरे को। सर प्रिंस सर आप बड़े ही अच्छे हैं, मैंने आपके बारे में कुछ बोला भी नहीं। तो मैं क्या ही बात करूं सर? देख एक तो सीधी बात है, तुम एक अपने हिसाब से चल नहीं रहे, तुम बाहर जाते हो पहले बात करते हो क्या करना है, उसके बाद तुम बिट भी सोच के लगाते हो। मैं वैसे नहीं करता हूं, ये जजमेंटल है आपका, जजमेंटल बात कर रहा हूं थोड़ा सा। वरना क्या है ना, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं 20-20 लोगों को मुंह पे बोल देता हूँ कि चीजें आपसे ये, और मैंने अपने शो में पहले ऐसा किया हुआ। 10,000 को बोल सकता भाई, तू बोलना मेरे को, मैं एक बहुत भारी हूँ। नहीं छोड़ना, ऐसे ही हूँ मैं भी, तू अगर कहना कि 20 मैं, तू मेरे ऐसा है, मुझे पता है। एक होता है बिग बॉस विनर, एक होता है सिग्मा बिग बॉस विनर, तो वो भी एक बात होती है। एक होता है बिग बॉस विनर, एक होता है कि बाकी बहुत सारे शोज का विनर। बहुत प्रॉब्लम हो गया भाई, बहुत बड़ी बात है यार। सही बात है यार, तू का बिना डिनर है, तू हमने शो कर ली, हमने जीत लिया, अभी बात चल रही है उनकी। अंडरस्टैंड, बट तू ये सब मत बोल, ये सब मत बोल। हम दोनों सिग्मा बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस ही है भाई, बिग बॉस, सिग्मा बिग बॉस अभी नहीं आया। आवाज ऊंची करने से तेरा, अरे भाई मेरी आवाज है ही ऐसी, देख मैं कितने स्माइल से स्माइल करके बात कर रहा हूं, स्माइल करके मैं फेक कुछ चिल्ला रहा है, चिल्ला मैं ऐसे बोलूं, मैं फेक कर रहा हूं यार, यार क्या फट्टू, ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं। तू बहुत जज करता है यार।